आज अल्मोड़ा में कांग्रेस कार्यालय में शौर्य के नाम पर वोट, सेना के हितों पर चोट पत्रिका का विमोचन के मौके पर प्रेस को संबोधित करते हुए कैप्टन प्रवीण डाबर ने कहा कि वर्तमान चुनाव में बीजेपी को कोई भी पूर्व सैनिक वोट नहीं देगा। उन्होंने कहा कि वन रैंक वन पेंशन देने का जो दावा मोदी करते हैं वे सरासर गलत है। उन्होंने कहा मोदी सरकार ने 1.5 साल तक इस मुद्दे को लटकाया, आज ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, तो वहीं पूर्व सैनिक उनको वोट नहीं देगा। अल्मोड़ा से सोनू सिजवाली की रिपोर्ट। ना उससे पूछ लीजिए, आपको वन रैंक वन पेंशन वोट मिल रही है? वो कहेगा नहीं मिल रही है। 5,000 से लेके और ब्रिगेडियर जनरल तक आप जाएंगे तो 15,000 का फर्क है। तो जहाँ 15,000 का फर्क है पुराने और नए पेंशनर में, तो कौन पूर्व सैनिक है वो बेहतर तो नहीं है। एक नंबर एक कारण, नंबर एक कारण है कि पूर्व सैनिक इनके साथ नहीं है। दूसरा ये कारण है कि जो इनकी सरकार है उत्तराखंड में 3 बार जो है मुख्यमंत्री बदल चुकी है, तो पब्लिक ये देख रही है कि इनके पास कोई ठीक ढंग का नेता नहीं है और 5 साल में इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं करा है जिससे जो है कोई विकास हुआ हो, कोई ऐसी बड़ी बात हुई जो हरीश रावत साहब ने करा था या उससे पहले जो सरकारें थी, चाहे कोई भी सरकार हो, लेकिन इनकी जो पिछले 5 साल में सरकार और 3 मुख्यमंत्री बने हैं, इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं करा है जिससे जनता इनके साथ हो। और केंद्र की सरकार की जो नीतियां हैं, केंद्र में जो मोदी सरकार है उसकी आर्थिक नीति फेल, उसकी जो है राजनीतिक पॉलिसीज हैं वो कितनी खराब है, लोगों में दरार बढ़ रही है। जिस तरह से मोदी जी ने कोविड को हैंडल करा, कितने लोग जो है इसमें मारे गए, कितने लोगों को जो है हजारों मील अपना घर जाना पड़ा, उसमें वो विफल हो गए। लेकिन सबसे बड़ी विफलता उनकी राजनीतिक और आर्थिक विफलता से सबसे बड़ी विफलता जो मोदी सरकार की रही है वो है डिफेंस के मामले में और वो है फॉरेन अफेयर्स के मामले में। बात करी, दूसरे लोगों से बात कर रहा हूँ, इसके बाद मैं हल्द्वानी जाऊँगा कल और उसके बाद मैं गढ़वाल रीजन में जाऊंगा, तो अभी तो मैं केवल कुमाऊं की बात कर सकता हूं। मेरा ऐसा अनुमान है कि जो यहां पे 29 सीटें हैं कुमाऊं में, मुझे तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी को, मुझे बताया गया है कि यहां पे 20 से 22 सीटें आ जाएंगी, लेकिन मेरा अपना अनुमान है कि हम ये 25 सीटों तक पहुँच सकते हैं। उसका कारण ये है कि कुमाऊं में बहुत ज़्यादा पूर्व सैनिक हैं और पूर्व सैनिक और पूर्व सैनिक के अगर आप परिवार जोड़ लेंगे तो वो लगभग आपका वोट परसेंटेज जो है, कुमाऊं रीजन की बात कर रहा हूँ, वो कम से कम 40% तक पहुँच सकता है उनके परिवार मिला के, परिवार मिला के। तो मेरा तो ये अनुमान है, हो सकता है हम 25 सीटें भी 29 में से जीत जाएं। आधार क्या है? मैंने कहा ना, मेरा सबसे बड़ा आधार है एक कि पूर्व सैनिक जो है इस बार बीजेपी को वोट नहीं दे रहा है और उसका सबसे बड़ा कारण है कि वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे में भारतीय जनता पार्टी ने उनको धोखा दिया है। मोदी जी आज तक झूठ बोल रहे हैं, ये बड़ी खेद की बात है कि प्रधानमंत्री झूठ पे झूठ बोलते हैं। 14 प्रधानमंत्री हुए हैं, इनसे ज्यादा कोई झूठ बोलने वाला। मैं आप सभी का स्वागत है और आज का ये प्रेस वार्ता बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे है, सैनिकों के विषय पे है। कैसे मोदी सरकार ने देश के सैनिकों के साथ भी अच्छा बर्ताव ना करके उनके लिए भी, उनके सुविधाओं के लिए भी वन पेंशन वन रैंक में भी जो उनके साथ नाइंसाफी की गई, उन मुद्दों को लेकर हम आपके बीच में आए हैं। हमारे साथ कैप्टन प्रवीण डाबर जी हैं जो खुद एक्स आर्मी मैन है, ये डिटेल में आपको इन मुद्दों के बारे में बताएंगे। मैं चाहूँगी कैप्टन डाबर इन मुद्दों पर डिटेल में आपको बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जब भी इस देव भूमि और वीर भूमि में आता हूँ, मुझे मेरा उत्साह बहुत बढ़ जाता है और मैं बहुत ज़्यादा जो है मुझे गौरव आता है यहाँ पे आने से। मैं सबसे पहले इस वीर भूमि के विक्टोरिया क्रॉस विजेता, महावीर चक्र विजेता जनरल बिपिन रावत, जनरल बीसी जोशी, जिनके साथ मेरे
बहुत गहरे संबंध रहे हैं। उसका कारण यह है कि जब जनरल बिपिन रावत वाइस चीफ थे आर्मी स्टाफ के, आर्मी चीफ बनने से पहले, तो मैं उनसे एक जगह मिला और वो एक महीने के अंदर रिटायर होने वाले थे जनरल बिपिन रावत। मैंने उनसे पूछा, जनरल साहब कि अब आप कहाँ जाके सेटल होंगे, आप उत्तराखंड जाएंगे कि गुड़गांव में जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं दिल्ली में वो गुड़गांव चले जाते हैं। तो उन्होंने मेरे से कहा कि दावर साहब, पहले तो मैं गुड़गांव जा रहा हूँ, मैंने वहाँ घर बना लिया है, और फिर आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही खेल करना था, वो ना केवल नहीं रिटायर हुए, वो आर्मी चीफ भी बने, और आर्मी चीफ के बाद वो पहले CDS बने, और ये बड़ी गौरव की बात है। दुर्भाग्य था कि उनकी विमान दुर्घटना में जो है वो हमसे चले गए, हमें छोड़ के। तो आज मैं शुरुआत करता हूँ उनको श्रद्धांजलि देके। और दूसरे जनरल बिपिन जोशी, वो आर्मर्ड कोर के थे, मैं भी आर्मर्ड कोर का हूँ, और जनरल बिपिन जोशी के एक जो साथी थे लेफ्टिनेंट जनरल MM लखेरा, उन्होंने रिटायर होने के बाद कांग्रेस को ज्वाइन करा, और जब श्रीमती सोनिया गांधी अध्यक्ष बनी